हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं दोपहर के 12:30 है। और आज जो है हम नकाश की और मेरी एक फेवरेट जगह पे जाने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत स्पेशल जगह है। हम शादी से पहले भी वहाँ बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन शादी के बाद हम एक बार भी नहीं गए हैं। तो आज हम वहाँ जाने की तैयारी बस कर रहे हैं। नकाश कुछ वहाँ की खाने की चीज़ें जो है वो लेने गए हैं, और फिर मैं उनके लिए स्पेशल अपने हाथों से खाना बनाऊँगी, क्योंकि मुझे खुशी होगी उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर। और बस घर का काम हो चुका है, अभी हम अपने कपड़े रेडी करेंगे और साथ में खाना रेडी करेंगे, और फिर शाम में हम जाएंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, दिखाती हूँ आपको कि हम क्या क्या बनाते हैं उनके लिए, क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं। और घर का काम हो चुका है, घर पे फिलहाल तो सब लोग जो हैं वो ड्यूटी पे जा चुके हैं। और आप कह रहे होंगे कि मेरे व्लॉग में पीछे से तोतों की आवाज़ें आ रही हैं, तो जी हाँ, हमने तोते लिए हैं। ये है कोपटल और ये है लव बर्ड्स, कहाँ गए। और गाइस, मैं इतना बता दूं कि ये हमने ख़रीदे नहीं हैं, ये हमें गिफ्ट्स मिले हैं हमारे रिश्तेदारों ने, नकाश के रिश्तेदारों ने, जो कि मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं, उनके लिए ये कि उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया है। और ये वाले बहुत प्यारे हैं, बोलते भी हैं, पर ये अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको पहले आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब नहीं आएगी क्योंकि अब मैं इनकी वीडियोस शूट कर रही हूँ, तो इसलिए ये नहीं बोलेंगे। और वैसे तो नकाश ने भी उनको थैंक यू कहा होगा जिन्होंने हमें तोते दिए हैं, लेकिन मैं उनको ब्लॉग में भी थैंक यू कह दूँ कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें ये दिए, गिफ्ट दिए, बहुत प्यारे हैं। और बस सोचा कि गाइस को भी दिखाया जाए, सबको दिखा दूँ मैं कि हमारे घर पर भाई तोते आए हैं, नए नए पैरट, जो कि नकाश को बहुत पसंद है। एंड तो नकाश आ चुके हैं सामान लेके, और मीठे के लिए दूध इसमें डाल रहे हैं, और आज मीठा नकाश बनाएंगे। क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? कस्टर्ड बनाना। कस्टर्ड बनाना बनाना था। मैं जिनके लिए बना रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अच्छा, तो ये बताओ, बताना आता कि नहीं आता? पूछूंगा ना आपसे। किससे पूछोगे? आपसे मुझसे पूछेगा गाइस, मैं बताऊंगी इसे और ये कस्टर्ड बनाएंगे। और मैं जो है वो चिकन साफ़ करके ये रख चुकी हूँ, चिकन धो रही हूँ मैं, और उसके बाद जो है वो मुझे आज बनानी है क्या, चिकन कढ़ाई, आई थिंक सो। हाँ, चिकन कढ़ाई, ये चिकन कढ़ाई का डब्बा, और हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। और नकाश ने दूध डाल दिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं क्या बनता है और क्या नहीं। हाँ, मैंने दो चीज़ें रख दी हैं कस्टर्ड के लिए, रेडी होने के लिए, बाकी खाना तो हम बनाएंगे। तो मेरे नए मेहमानों से मिला है, मैंने मिलवा दिया। अच्छा, हाँ। बस भी ठीक है, और थैंक यू भी कर दिया। हाँ, ऐसे ही, बाकी कस्टर्ड मैं बनाऊंगा। गिफ्ट मिले हैं, अच्छा छुरी मैंने दी तो है। अच्छा ठीक है, आज मैंने जाना है एक स्पेशल जगह पे, बता दिया अल्लाह, वो मैंने बताना था, वहाँ दिखाना था। चलो मिलते हैं आपको फिर। किसी ने कहा जिसका काम उसी को सांचे। ये देखें, नकाश ने जो है दूध बाहर गिरा दिया था, दूध बाहर होकर बाहर आ चुका था, लेकिन बचा तो हो चुकी है। और अभी नकाश जो है ना कस्टर्ड मिक्स करने वाले हैं। पैकेट खोलें, मैं बताती हूँ, 700 चम्मच से हिलाना भी है। ओ देखा, पैकेट खोलते ही नकाश ने जो है ना वो खुद पे भी कस्टर्ड गिरा दिया, कपड़ों पे भी गिरा दिया। कोई बात नहीं, बताओ कितना डालना है। चलो डालो, एक चम्मच, एक चम्मच और एक चम्मच और। कौन सा लाए हो, वनीला? ठीक है, एक और चम्मच डालें। अच्छा, चार चम्मच डालना। चार नहीं, पांच चम्मच डालें, अगर ज़रूरत होगी तो फिर और भी डाल सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन चार तो आप डालें। चार चम्मच भी कैसे डर रहे हैं आप देख सकते हैं। हो गया। पांच हो गए, थोड़े और डालें। हाँ बस, पैकेट को अच्छे से करें ताकि आप दोबारा ना गिरा दें। बस इसको मैं हिला देती हूँ, चले क्या याद करेंगे, थोड़ी हेल्प करा देती हूँ यार मैं। नहीं नहीं, मैं करूंगा। ये नहीं बोलना मेरी बेगम ने सारा काम मुझसे कराया था। नहीं नहीं, छोड़ो, मैं करूंगा, छोड़ो छोड़ो। साथ साथ वैसे मैं सबको बताती जाऊँ कि मैं अपनी कढ़ाई का सामान भी तैयार कर रही हूँ, मैं भी फारिग नहीं हूँ, लेकिन यह है कि नकाश ये कस्टर्ड मिक्स कर रहे हैं अच्छे से, और फिर ये दूध जो बॉयल है अब इसके अंदर डालेंगे हम। अच्छे से हो गया? नहीं, अभी अंदर पाउडर तो नहीं है? है ये, आपने पतीली भी जो जिसमें मिक्स किया वो भी कितना गंदा कर दिया, कपड़े भी गंदे। ओहो, गाइस ये देख सकते हैं आप। वैसे ये अच्छा है कि चलो आज नकाश बना रहे हैं, और आगे फिर जब सीख लेंगे तो फिर बनाया करेंगे, है ना? नहीं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्री नहीं हो ऐसे ही। हाँ बिल्कुल नहीं,
मैं भाई काशी आएंगे ना हाँ। फिर बनाऊंगा। बस काशी में आ जाना फिर। चलो डालो जल्दी जल्दी, साथ साथ हिलाते जाओ, डालो भी साथ में, क्या देख रहे हो। हाँ डालते जाओ और हिलाते जाओ ताकि अंदर वो ना बन जाए। डालो, डर डर के क्यों डाल रहे हो निकाश? कम नहीं, ज्यादा डालो बस। यार मैं प्रोफेशनल तरीके से कर रहा हूं। प्रोफेशनल आया, चलो छेती करो। प्रोफेशनल कपड़े तो पता लग रहे हैं कितने प्रोफेशनल। मैंने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहना। चलो जल्दी डालो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी डालते जाओ ताकि हमें पता चले ना कितना गाढ़ा हो रहा है ये। शाबाश, अब इसे हिलाते जाओ। अच्छा चम्मच थोड़ा सा बड़ा ले लें प्लीज। नहीं नहीं सही, जो है ना वो थोड़ा सा पत्ता था, गाढ़ा नहीं हुआ तो हमने इसमें और कस्टर्ड डाला। मैंने बताया आपको ये। ओह माय गॉड गाइस, बहुत बड़ा झूठा ये। ठीक है, ये जब तक ये ऐसे कर रहा है, मिक्स कर रहे हैं, मैं तब तक उसको हिलाती हूँ और इसे वापस डालेंगे। ठीक है, पतीला रख चुकी हूँ, अपने सालन का भी पतीला रख चुकी हूँ, लेकिन नकाश का कस्टर्ड रेडी है और अब नकाश क्रीम डाल रहे हैं। मजे, ठीक से डालो, क्या डर डर के यार डाल रहे हो, बस डाल देते चीज, इतना प्रोफेशनल नहीं बने, बस जल्दी जल्दी करें। और किचन से बाहर हो, आपने किचन बहुत गंदा कर दिया। प्रोफेशनल देखें जो किचन गंदा कर देते हैं, खुद भी गंदे हो जाते हैं। जल्दी से क्रीम डालो बस। ग्लव्स नहीं पहने और आज आपके सामने आया कुक, ये देखें क्या हालत हो गई। और मैंने कस्टर्ड रखा है ठंडा होने के लिए एयर कूलर के सामने, बाकी ठंडा होगा फिर आप लोगों को भी खिलाऊंगा। जो जो बेल बजाएगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, उसको कस्टर्ड मैं खिलाऊंगा। तो गाइज मैं जो है वो अपना खाना भी, अपनी बारी भी पूरी करके आके और मैं अब खाना बनाकर आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मुझे पसीने आ रहे हैं और बस मैंने कढ़ाई ऊपर चढ़ा दी है, कढ़ाई बना रही हूँ मैं, नकाश ने कस्टर्ड बना दिया। और मैं आपको इतना बता दूँ कि हमने जो खाना बनाया है मैंने और नकाश ने, निकाश ने मीठा बनाया, मैंने सालन बनाया, तकरीबन 40-45 लोगों के लिए हमने खाना बनाया है। और वो लोगों के लिए मैं स्पेशली वीडियो बना रही हूँ, जो समझते हैं शायद मैं काम नहीं करती, मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ और टिकटॉक ही बनाती हूँ, नहीं मैं खाना भी बनाती हूँ। और मैंने इसलिए अपने खाना बनाते हुए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं तो कोई पहली बार खाना नहीं बना रही, निकाश ने पहली बार कस्टर्ड बनाया था इसलिए वीडियो बनाई थी। तो बस अभी मैं निकाश के और अपने कपड़े निकालती हूँ, सब ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है, बस मेरी और निकाश की तैयारी रह गई और मैं और निकाश अब अपने, बस मैं कपड़े निकालूंगी निकाश के और तैयारी करूंगी। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ली मैं हो चुका हूँ रेडी और बेगम की चल रही है तैयारी। ओह चूड़ियाँ गिर गई और मैं बिल्कुल थोड़ा सा बाल रह गए और चूड़ियाँ उठा देता हूँ। मैम पहले मैं तैयार हो जाऊँ, सिर्फ 10 मिनट हैं आपके पास, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और हम बस निकल रहे हैं क्योंकि सब कुछ रेडी है, बस हम बस आएंगे लेडीज की तैयारी। ओह माय गॉड, और ये मुझे शर्ट जो है ना, टी शर्ट अकाशवी ने दी थी, पत्तियों भी अकाशवी ने दिया और आज लगा इतना तैयार नहीं होती, मैं इसलिए इतना ज़्यादा तैयार नहीं हूँ क्योंकि क्या शादी के बाद हम पहली बार वहाँ जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मैरिड लगूँ इसलिए मैं ज़्यादा तैयार हूँ। अच्छा अपना फुल लुक तो दिखा दो, अभी कहाँ से फुल लुक दिखाऊँ, अब तो मैं तैयार नहीं हूँ। चलें फिर रेडी होकर मिलते हैं। अभी तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक, ये रहा मेरा फाइनल लुक। और यहाँ देखिए निकाश जो है वो खाना जाने के लिए पैक कर रहे हैं, साथ हेल्पर लिया कर रहा है हमें। यहाँ थोड़ा रोने का लोग तैयार हो रहे हैं और यहाँ हम घर से निकल चुके हैं और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि शाम से रात हो गई है और इतने ज़्यादा ट्रैफिक थे क्योंकि निकलते इतने ज़्यादा लेट कर दिया इन्होंने कि हमें इतनी ट्रैफिक मिली है कि हमें पहुँचते बहुत टाइम लग गया, जिसकी वजह से हम काफ़ी ऑटो में बैठ कर थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा। तो बस पहुँचने वाले, फाइनली सरप्राइज ख़त्म हुआ, हम आए हैं ऑलरेज होम जो कि डिग रोड में है और नकाश की फेवरेट प्लेस है, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं। हाय कर दो रोनिका, हाय कर दो। यहाँ दुआ आ रही है और पापा वो बैठे हुए हैं, यहाँ दुआ आ रही है, तो इसलिए मैं भी थोड़ी देर के लिए व्लॉग को बंद करती हूँ। तो ये रहा ऑलरेज होम का सिटिंग रूम, यहाँ सारे बैठते हैं। और ये बाहर चलेगा।
ऐसे अंदर खोल रही हूँ। फिलहाल यहाँ सब जो हैं वो अपने अपने रूम छोड़ के दुआ के लिए गए हुए हैं। और फाइनली मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ और आज हाँ। ये मेरी डार्लिंग है। कैसे हैं आप और कैसा लगा हो? आप ठीक ठाक? और आप बहुत अच्छा लगा। के बाद आकर देखे बहुत खुशी हुई है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आप कैसे हैं? बहुत अच्छा है बेटा। और आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? वह कैसा लग रहा है आपको? कैसा? अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है मुझसे मिलके? कैसा लग रहा है? और आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गॉड ब्लेस यू। आपको कैसा लग रहा है? आमीन आमीन आमीन। यस, बताया था मैंने, मैंने बोला भी था दावत है सबको। मैंने वो ये सब मेरे करीबी फ्रेंड्स हैं। वेट कर रहे हैं आकाश भाई का। हाँ। और ये कुछ बोलना चाह रहे थे तो मैंने बोला चलो। के बाद देखकर आपको बहुत खुश हुए हैं, खासकर दोनों को। खुदा तो मैं ऐसे सेहत और तंदुरुस्ती दे। थैंक यू। ऐसे ही तुम आके माल जैसे लोगों को विजिट करते रहो, खुश करते रहो और हमसे दुआएं लेते रहो। ओहो, थैंक यू जी। बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं और सबसे गपशप कर रहे हैं। पापा भी वहाँ बैठे हुए हैं, मम्मी लोगों से गपशप कर रहे हैं और नकाश तो बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ के, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें यहाँ के एक दिली खुशी एक मिलती है और इन सबको भी हमसे मिलके बहुत 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 खुशी होती है। सब ने हमें बहुत ब्लेसिंग दी और बहुत खुश हुए क्योंकि हम शादी के बाद आए हैं और थोड़ा टाइम लग गया हमें आते हुए, लेकिन यह है कि हमें दिली सुकून है कि हम यहाँ आए हैं। मैं ज़िंदगी देता और ज़िंदगी के नाम तुझसे माला मार करता है। मैं तो दूसरा आपका आज हम तेरा शुक्र करते हैं इस दिन के लिए कि जो तूने हमारी ज़िंदगी में ये दिन बख्शा, ताकि हम इस दिन में तेरे पाक हुज़ूरी को महसूस कर सकें। और ख़ास तौर पर आज दुआ करते हैं अपने भाई नकाश के ख़ानदान के लिए, भाई परमेश्वर के ख़ानदान के लिए, कि जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में तेरी रज़ा को पूरा करते हैं। इस बात को मैं अच्छी सेहत तंदुरुस्ती उम्र की दराजी साधक। और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं अपनी माँ जी के लिए, भाई नकाश की माँ के लिए, कि पहले अपना उन्हें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्हें उम्र की दराजी दे, उन्हें मुकदसा मरियम के नक्शे कदम पर चढ़ने की तौफीक अता करे, ताकि वो मुकदसा मरियम के नक्शे कदम पर चढ़ते हुए एक अच्छी माँ होने का किरदार निभाते रहें। ताकि उस बाप हमेशा उनका साया उनके घर खानदान को रखना, ताकि ये बच्चे हमेशा अपनी माँ के साय में रहते हुए दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की करें। ताकि उस बाप दिन के खानदान में अपना प्यार मोहब्बत सलाह सलामती को हमेशा कायम दायम रखना, जिस तरह ये खानदान हमेशा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक चलता है और दूसरे लोगों की मदद करता है, यही ईमान इनमें कायम दायम रखना, ताकि दूसरे लोग इनके ईमान को देख कर तुझ पर ईमान लाने का वसीला बने। उस बाप हमेशा इस खानदान में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, ताकि ये खानदान हमेशा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे और तुझ में बढ़ता और फलता चला जाए। मैं खुद इस बात खास दुआ करते हैं अपने भाई जेम्स बूटा के खानदान के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर खानदान में भी हमेशा इसी तरह अपनी बरकत और फजाई को नाजिल कर, ताकि वो भी हमेशा तेरी तरफ दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते रहें और इसी ईमान में बढ़ते और बढ़ते जाएं और दूसरे लोग इनके ईमान को देखकर तुझ पर ईमान ला सकें। अगर उस बाप खास दुआ करते हैं हमारे इस पूरे घराने को बरकत दे, इन दोनों खानदानों को बरकत दे और ख़ास तौर पर इस रिजक को बरकत दे और जिन हाथों ने तैयार किया तो उन हाथों को बरकत दे, ताकि जो कोई भी इस खाने में से खाए और जो कुवत और ताकत हासिल करे तेरे पाक मुकद्दस नाम में सर्व करने आ रहा हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे से। तो दुआ के बाद हमने देर नहीं की बिल्कुल भी, क्योंकि इनको सबको बहुत भूख लगी हुई थी, तो हमने इनको खाना जो है वो सर्व करना स्टार्ट कर दिया सब।
चलो लाओ थोड़ा सा होटल अच्छा बना ना, इसलिए सारे ज्यादा खा रहे हैं। जी जी हमने भूल लिया बेटा। चीज़ दिखाओ, यहाँ पान की दुकान भी है, आप किसी को पान स्पेशल चाहिए हो तो इनसे रब्ता कर सकता है। कितने का पान है? दादों के साथ रब्ता नहीं, मेरी माँ के साथ रब्ता। अच्छा मुझे ये बताएं पान कितने का है? कितने का है? ओहो, ये चेक कर सकते हैं। कितने का है बता सकते हैं आप? बताएं ज़रा कितने का है। बहुत अच्छा पान बना रहे हैं। मीठा तो दिखाओ कितना रह गया, मुझे लग रहा है ख़त्म हो गया होगा। कितना रह गया? ओहो बच गया थोड़ा सा। आपने टेस्ट किया? कैसा बना है आप बताएं, कैसा बना है? VIP 500। ओहो हमारे ओल्ड एज होम की दादो है जो हमें अपने कमरे में लाए हैं, जो हमें अपने कमरे में लाई हैं और अपने कमरे को दिखा रही हैं। आप देख सकते हैं कि रूम बहुत अच्छे हैं, फैंस अवेलेबल हैं, टच बाथ अवेलेबल हैं और पिक्चर्स इन्होंने अपनी अपनी लगाई हुई हैं। आप देख सकते हैं अपने रूम को इतना अच्छा सब ने डेकोरेट किया हुआ कि सब हमें अपना अपना रूम दिखा रही हैं। जूजू किन के कमरे में आयो? दादों के। और ये हमें अपनी जवानी की पिक्चर्स दिखा रही हैं, आकाश देख रहे हैं। मुझे पान भी। हाँ आपको एक और बात बताना भूल गई कि इन्होंने जो है ना अपने पान भी रखे हुए हैं, ये सबको पान खिलाती है, काश को भी पान खिलाया है। और अब हमारी एक स्पेशल आंटी हैं जो हमारी फेवरेट आंटी हैं, वो हमें कब से बोल रही है कि हमारे रूम में आए, हमारे रूम में, वो खुद रूम में है नहीं लेकिन ये है कि हमने अपने रूम में बुला लिया। फाइनली आंटी को ढूंढ लिया हमने, ये हमें कह रही थी मेरे रूम में आओ, मेरे रूम में आओ, हम इनके रूम में जाएंगे और इनका रूम देखेंगे। आए ना आप हमारे साथ, आए ना। ये देख सकते हैं ये रहा हमारे फेवरेट आंटी का रूम, ये रहा और फैन देखे, लाइट्स, और इन्होंने भी पिक्चर्स लगाई हुई है अपनी फैमिली पिक्चर्स लगाई हुई। और ये मेरा होता है, वो नैन ओ
और वो मेरे नवासे की तस्वीर शादी की ना जी, वो बेटी का भी वो हस्बैंड डेथ हो गई है, ये बैठी बैठी तो मेरी तस्वीर क्यों नहीं लगाई है? आपकी तस्वीर मेरे एल्बम में मेरे साथ पता आती है, वो साफ नहीं आई हुई है। साफ नहीं आई हुई, हम क्लियर वाली ला कर देंगे फिर आप यहाँ लगाना। हाँ ठीक है, तुम लोग दोनों तस्वीरें भी अपनी शादी की तस्वीर। हाँ, फिर देंगे अपनी शादी। नहीं नहीं, मैंने कहा अपनी शादी की तस्वीर। ओहो, आप तो उनके आनी नहीं है कभी भी। कैसे जब फोटोग्राफर को दिए जो नहीं आएंगे, जो धुलके नहीं आ रही, वो मेरी बात सुनो मिलेंगी। ये काम तो नहीं करा मेरा उसकी तरह। हाँ, यार अभी तक तो दी नहीं है तस्वीर, पता क्या या तो वो ठीक नहीं हुई। मेरी बात सुने, अच्छी कटवाई थी, मैं खुद फोटोग्राफर हूँ आपको पता है, अच्छी हैं तो अभी वक्त के हिसाब से देंगे, अभी नहीं बाद में। हाँ। टाइम आएगा, थोड़ा इंतजार, थोड़ा वेट, थोड़ा प्यार। तुम बहुत छोटे थे, अपने सबके तस्वीरें लैटिंग वाला कहता था शादी की। अच्छा। हाँ। थोड़ा सा रूम टूर कर रहे हैं इनका। ये बेटा मेरा। ओहो, अच्छा ये आपका बेटा है। ये पोती है या वो छोटी वाली? क्या बात है। और मैं आपका क्या हूँ? मैं आपका क्या? और हाँ, मेरे बेटे हैं, मेरी जान है। इतना अच्छा लगा, झूठ नहीं बोल रही। एक दिन मैं कह रही थी कि पता नहीं तो बिजी जाए, मैं थोड़ा बिजी था और मैं थोड़ा सा आया नहीं तो कर दिया ना। हाँ बिल्कुल, क्या बार पास नेक्स्ट मंथ फिर आऊँगा मैं। अभी हमारे पास तो सिर्फ आप ही आते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ना मेरा अपना बेटा है, खुदा ने गाड़ी सब कुछ दी हुई है, टाइम नहीं होता काम में, ऐसे तो कभी टाइम नहीं जा रहा, नौकरी भी तो करनी है ना। नहीं नहीं, मैं टाइम निकालूंगा आपके लिए। बहुत अबे डिफेंस से बेस पर कोने पर ही मेरा घर है। अच्छा, जब आप अंदर एंटर करते हो ना तो जो स्कूल है उसका गेट है मेरा गेट है। जब जैसे आज हम बस्ती की तरफ ला रही रोड तो आप उल्टे हाथ पर मेरा घर है, कोने पर ही है। चलो हम आते हैं ना, हम फिर आएंगे। वन यूनिट घर है। चलो ख्याल रखो। ओके बेटे, आप भी बहुत अच्छा लगा, मैं कह रही बहुत अच्छा लगा आफ्टर इतनी देर के बाद, बहुत ही प्यारा लगा। खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत सलामत रखे, बेटा सदम अभी। तो गाइस अभी गीत की बात है, पापा गीत सुनाने लगे हैं और थोड़ी सी अभी और पापा गीत सुना रहे हैं। सारे अभी सारे गौर करें भाई, थोड़ी सी लश्करां दा खुदा है, टिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, खुदा बंदा तू खुदा बंदा तू चले। अभी डोरिस की बारी है, डोरिस गीत सुनाने लगी आपको। तेरे कलाम दिया गला,
इनके सिवा रोशनी चलता रहे ये कारवा दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान 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 बारी है और सबसे मिलते मिलाते हैं। चलें थैंक यू सो मच और ख्याल रखें बहुत सारा अपना और आप भी थैंक यू सो मच थैंक यू आप भी थैंक यू सो मच थैंक यू जी मैं भी आपको बता रहा हूँ थैंक यू Bye. Okay, God bless you all. Happy Pakistan Day. Same to you. Okay, bye. So much. Thank you. आपका आपने टाइम दिया हमें और बस जाने की बारी है. Okay जी. Bye. फिर मुलाकात होगी. Thank you so much बेटा. बहुत अच्छा लगा. Okay जी. Bye. सबसे मिलेंगे और फिर उसके बाद करते जाएंगे. ओके जी बाय ख्याल रखें बहुत सारा पान बहुत अच्छा था दादो बहुत अच्छा पान था ओके अम्मा ठीक है जी ओके जी ओके बाय खुदा बहुत बरकत देता हूँ यस I never eat khana. You know, I stay hungry, I only have one paratha. Okay. Now, so look, after the people, they can't eat something. But they don't go out.
बहुत खुशी हुई और शादी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। हमें शिकवा था आपसे। मैंने मेरी बात सुने आया नहीं दुल्हन को मेरी बात नहीं नहीं मैं मैंने मास्टर जी से परमिशन भी बना रहा हूं मुझे पता है बहाने से मूवी बना रहा है। अच्छा टाइम हो रहा है शॉर्ट और बार बार कह रहे हैं जाने के लिए। ठीक है आप ख्याल रखें अपना बहुत सारा। ठीक है गॉड ब्लेस यू। चले अच्छा मेरी बहन मैंने किया आपके लिए दुआ। नुसरत नाम है आपका। जरूर करूंगा दोबारा भी। चले ठीक है क्योंकि वो सारे वेट कर रहे हैं कह रहे हैं कि हम सुबह 5 बजे उठते हैं। ठीक है बाय। चले चले मिल रहे हैं आप फिर अभी ये बेल बजे। चले भाई मिले जल्दी जल्दी मिलो जल्दी जल्दी जल्दी। तो इतना मिलना मिलाना जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ जल्दी 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 क्योंकि टाइम ले जो हमको बाय बाय करते हैं क्योंकि सब अपने रूम्स में चले गए हैं और आंटी मैं बाय सी ऑफ करने आई हैं और नकाश ने सामान उठा लिया और अब हम जो है ना वो जा रहे हैं। और ये ऑल्डो जो हमका बाहर है डॉगी भी सो रहा है और परिंदे हमारे ये मैंने सुना था यहाँ बहुत परिंदे हैं लेकिन अभी हम नहीं देख सकते हैं अभी हम घर जा रहे हैं। ओके बाय बाय। जी 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 बिल्कुल। आकाश ने सामान उठा लिया और आधा आकाश ने उठा लिया। आकाश ने तो कचरा जो हमने मतलब बॉटल्स खा ली की थी वो उठाई हैं और आकाश ने पतीले वीले उठा लिए। आकाश ध्यान से ठीक है कहाँ है ये। और ये डक हाँ नहीं मोर नहीं है ये वो है कोई मुर्गी है बड़ी सी। आकाश मोर भी थे लास्ट टाइम वो आगे वाले पिंजरों में अभी अंधेरा हाँ कह रहे हैं दिन में आना और सब हमारा वहाँ वेट कर रहे हैं घर जा रहे हैं। ऐसे हम जूजू लोगों को भी अलविदा कहते हैं। जूजू बाय बाय। जूजू जाएगा अपनी बाइक पे और ये अम्मी लोग जाएंगे ऑटो पे और हम भी जाएंगे बाइक पे। तो हम जो है वो वहाँ खाना खिलाने के बाद हम घर नहीं गए हैं। हमने सोचा क्यों ना हम आइसक्रीम खाएं तो हम आइसक्रीम खाने आ गए। हमने कहा आज हमको आइसक्रीम बना हुआ क्योंकि उसे भूख लगी हुई है लेकिन वो हमें आइसक्रीम खिलाने ले आया है। लेकिन पीपी थैंक यू सो मच। मैं बहुत दिनों से खाना चाहती थी आप मुझे लेकर आए आइसक्रीम खाने के लिए। आप घर जा खाएंगे। हाँ शुक्र है खुदा का मेरा काम ये काम भी संपन्न हुआ। अभी आगे मेरी बेगम की बर्थडे आ रही है बस मैं उसकी प्लानिंग में अभी से हूँ और इस व्लॉग को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखना। बैल बैल बजा दो यार की करा रहे हो। ना बैल बजान दे हो ना कमेंट कर दे हो की कर दे हो यार जल्दी से करो और हम फिर ऐसे ही थोड़ा व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। हाँ। जब हमें लोग देखते हैं इतना प्यार करते हैं तो फिर कमेंट शेयर लोगों को दिखाएं बोले बैल बजाओ है नारी। बैल बजाओ। ठीक है ख्याल रखे अपना बहुत सारा। ओके अरे हम अगर ऑल्डर जो हम गए हैं तो हमारा दिखाने का मकसद ये नहीं था कि हम शो ऑफ कर रहे हैं कि हम यहाँ गए थे। मेरी बात हम दिल से गए थे और हम पहले भी जाते हैं यहाँ पे लेकिन तब हम व्लॉग नहीं बनाते थे। और सेकंड ये हम इसलिए भी गए हैं कि लोगों को भी अवेयरनेस हो कि यहाँ ऑल्डर जो हम है और लोगों के लिए जाना चाहिए क्योंकि उन्हें भी लोगों से मिल के खुशी होती है और आपको भी दिली सुकून आएगा वहाँ जाकर। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ
मेरे कितने सारे दोस्त हैं, थोड़ा सा उठ जाएं, आपने सारा वजन बता दिया जी। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो कहते हैं मैं जाऊंगा जाऊंगा, बट वो नहीं जा पाते। ठीक है, वो नहीं जाते, उनका दिल नहीं करता, बट जानने वाले हैं वो सब जाते हैं। जाते थे कभी मेरे साथ, पर एक बार गए दो बार गए, उसके बाद नहीं गए। मैं जाता हूँ, आप लोग सब जाएं। नहीं जाया करो, दिली सुकून मिलेगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। और फिर आगे प्लान है हमारे, बाकी हम मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद नेक्स्ट व्लॉग में। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस व्लॉग को शुरू से आखिर तक फिर देखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बेल बजाइए, घंटी भी बजाइएगा। और मिलते हैं ब्रेक के बाद, मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। बाय बाय, टाटा।